आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 8 की जो ग्रामर की बुक है उसकी रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन है उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन रुचि एंड रीना, इमेजिन योर सेल्फ टू बी रीना एंड रिपोर्ट द कन्वर्सेशन टू योर सिस्टर शीला। कहता है क्या कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो रुचि और रीना के बीच में चल रहा है उसे आप पढ़ें और आप कल्पना करें, इमेजिन योर सेल्फ, आप खुद से कल्पना करें किसका होने की, तो रीना की होने की, और आप अपने बहन शीला के साथ जो कन्वर्सेशन करते हैं उसी को रिपोर्ट करना है, राइट। इसको बनाएंगे कैसे उसको जरा आप देखें। ये इसको आप माने जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो कॉलन है, ये कॉलन के पहले रुचि या रीना या रुचि रीना रुचि रीना रुचि सब लिखा हुआ है ना, इसको माने कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, राइट। और इसके बाद कॉलन के जस्ट बाद जितने सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और ये पूरे फॉर्म जो देख रहे हैं, ये पूरे फॉर्म डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। इसको आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लाकर तब इसे लिखना है। चलिए जरा बात करें इसे बनाया कैसे जाता है। रुचि, मे आई टॉक टू शीला प्लीज, मतलब क्या हुआ कि रुचि ने रीना से क्वेश्चन पूछती है, क्लियर, कि क्या मैं शीला से बात कर सकती हूँ प्लीज, क्लियर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सोचने वाली बात है कि रुचि जो है वो क्वेश्चन कर रही है, और जो रुचि जब क्वेश्चन करेगी तो उसके लिए आपको पता होगा जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मिलाते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या लगाते हैं, आस्क्ड, क्लियर। अब इसमें कॉल्ड वर्ड इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि उसे पुकारी होगी इस रूप से, तो रुचि कॉल्ड एंड आस्क्ड। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच यस नो क्वेश्चन में होता है तो इस कंडीशन में इनवर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ़ लगाया जाता है, इफ़ लगाए, और किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के बाद आपका सेंटेंस हमेशा असर्टिव मोड में रहता है। तो जब इसको लिखेंगे असर्टिव मोड में तो क्या लिखेंगे, आई मे टॉक टू शीला, तो आई मे टॉक टू शीला लिखेंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ सी लग गया क्योंकि रुचि तो लड़की है, सी, और मे रहता है तो माइट में जाके ट्रांसफर हो जाता है, कब, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहे, क्लियर। तो इसमें आप ये माने कि जितने सारे फॉर्म्स इस रूप से क्वेश्चन में लिखे गए रहते हैं उसका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में ही होता है, राइट। तो सी माइट टॉक टू शीला, क्लियर, और प्लीज वर्ड आप ना लिखें। इसके बाद अब रीना कहती है कि रीना इन्फॉर्म्ड हर, किसको, रुचि को, रीना इन्फॉर्म्ड हर दैट सी, अब सी किसके लिए आ गया, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा इसी में दिया गया है रुचि के लिए, क्लियर। और यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच जो देख रहे हैं ये आपका किस में चल रहा है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस में है, तो जब असर्टिव सेंटेंस में है तो हम क्या करते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस के लिए जब भी अगर इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो दैट लगाते हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसे कि अभी आप यहाँ देखें सी, सी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पर्सन में है सी, और आप यहाँ देख रहे हैं कि जब भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच जब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज गॉन लगा हुआ है तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मिलाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, द हैड गॉन टू द क्लब राइट नाउ, क्लियर। राइट नाउ का मतलब क्या होता है, तुरंत या अभी, क्लियर। अब रीना ने कही कि वह अभी तुरंत ही कहाँ गई है, क्लब गई है या जा चुकी है। अब इसको अब थर्ड पे जो देख रहे हैं यहाँ पे आते हैं, कहता है रुचि वेन विल सी बी बैक, वे कब, वह जो है वह कब आएगी। तो अब एक रुचि ने पुनः फिर क्वेश्चन ही तो करी होगी, क्लियर, तो क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड, और यहाँ WH फैमिली का वर्ड है देख रहे हैं आप, तो इस कंडीशन में WH वर्ड को WH वर्ड में ही छोड़ देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कोई वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। और विल सी बी बैक है, ये विल सी बी बैक को हम क्या करेंगे, सी विल बी बैक मानेंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में लाने हैं, क्लियर। तो सी है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी को सी ही रहने दें, उल को, सॉरी विल को किस में लाएंगे, वुड में लाएंगे,
विल को किस में लाएंगे? वुड में, तो इसको वुड में चेंज कर दें। कब? जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है। बी को बी ही रहने दें, बैक को बैक ही रहने दें, राइट। अब जरा फिर अब क्वेश्चन आता है, फिर अब रीना पे आता हूँ। रीना आई डोंट नो, रीना कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वो कब लौटेगी। तो रीना सेड, फिर रीना ने कही दैट, दैट क्योंकि सेंटेंस अभी असर्टिव में चल रहा है, आई डोंट नो असर्टिव में भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी आ जाएगा क्योंकि रीना लड़की है, सी लगा दें। और यहाँ डोंट नो तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो डिडेंट लगा दें, डिडेंट नो, क्योंकि डोंट नो की जगह डिडेंट नो आ जाएगा, क्लियर। अब इसी का पुनः फिर रुचि फिर क्वेश्चन पूछती है, कैन यू गिव हर माई मैसेज, क्या आप उसे मेरा मैसेज कह सकते हैं। रुचि ने फिर जब क्वेश्चन करी तो रुचि क्वेश्चन ही तो पूछी होगी, तो रुचि आस्क्ड रीना इफ़ या वेदर दोनों में से किसी का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग होता है। तो रुचि आस्क्ड रीना इफ़, अब यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्लियर, तो फिर ये लड़की है तो इसलिए सी लगा दें। और यहाँ से ये सारा सेंटेंस जो अभी देख रहे हैं इंट्रोगेटिव का, ये चला जाएगा असर्टिव में, तो यू कैन गिव हर माई मैसेज, तो कैन को फिर किस में ट्रांसफर करेंगे, किस में ट्रांसफर करेंगे, तो कुड में। तो इफ सी कुड गिव सीला, क्लियर, सीला को क्या करना है, तो अपना मैसेज उसको दे देना है, क्लियर। क्या वो दे सकती है किसको, सीला को, क्लियर। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फिर अब यहाँ लड़की है, जैसा है कि सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर लगेगा, क्योंकि जैसे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो हर मैसेज लगा दें, क्लियर। रुचि ने फिर पूछी कि क्या आप उसे मेरा मैसेज उसे दे देंगे, हर किसके लिए यूज़ किया गया है, सीला के लिए, राइट, तो इसलिए सीला वर्ड यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद बात आती है रीना, यस श्योर, हाँ रीना कहती कि हाँ ठीक है मैं इसको बता दूंगी, क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं पेज को हल्का सा खिसकाता हूँ, राइट। चलिए इसके लिए मैंने इसे पेज पे बना के रखा है, इसको ज़रा गौर से आप देखते चलेंगे। कहता है क्या कि रीना कहती है कि यस श्योर, तो रीना क्या करी, तो रीना ने जवाब ही तो दी होगी, तो रीना रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, क्योंकि यस है इसलिए अफर्मेटिव लगा। रीना रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव दैट सी कुड, हाँ ठीक है वह कर सकती है, वो आएगी तो उसे वो बता देगी। तो रीना यस श्योर के लिए आप इतना बड़ा सेंटेंस लिखें। अब रुचि फिर कहती है, टेल हैड टू ब्रिंग मैथ नोटबुक टुमारो, सी हैड बोरोड इट, आई हैव टू कंप्लीट सम वर्क इन इट। अब रुचि ने कहा कि उसे प्लीज़ आप कह दीजिएगा कि जो मैथ की जो नोटबुक है वो कल लेते आए, सी हैड बोरोड इट, क्योंकि वह इसे ले चुकी थी। आई हैव टू कंप्लीट सम वर्क इन इट, क्योंकि मुझे भी कुछ वर्क इसमें कंप्लीट करने हैं, राइट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो रुचि रिक्वेस्टेड रीना टू टेल सीला, क्लियर, रुचि ने रीना से रिक्वेस्ट की। अब यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस जब इंपरेटिव में रहता है तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू लगा देते हैं। दूसरा रूल ये भी कहता है कि जब भी कभी डबल वर्ब्स जब एक सेंटेंस में अगर यूज़ किया जाता है तो सेकेंड वर्ब के लिए टू प्लस वी वन लगता है, तो दोनों में से जो रूल आप माने। तो रुचि रिक्वेस्टेड रीना टू टेल, इसमें तो रिक्वेस्टेड वर्ड नहीं लगा, अगर आप चाहते क्योंकि रुचि ने रिक्वेस्ट ही की होगी उसे, इसलिए रिक्वेस्टेड लगा दें। अगर आपकी इच्छा अगर नहीं कि रिक्वेस्टेड में अगर ना लगाऊं तो मास्टर वर्ड आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं। तो रुचि रिक्वेस्टेड या आस्क्ड रीना टू टेल सीला टू ब्रिंग हर मैथ नोटबुक द फॉलोइंग डे, क्लियर। अभी आप देख रहे ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा फॉलोइंग डे वाला, क्लियर। कहते क्या, क्योंकि अब टुमारो के लिए हम क्या लगाएंगे, टुमारो के लिए हम लगाते हैं फॉलोइंग डे, राइट, या फिर द नेक्स्ट डे। अब कहता है विसी के जस्ट बाद सी हैड बोरोड इट, अब देखते हैं सी हैड बोरोड इट है तो इसमें फिर हम इसको कैसे लिखेंगे। फिर रुचि टोल्ड हर, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसका रहा हूँ, राइट। चलिए अब रुचि फिर उससे कहती है कि देखिए कि रुचि टोल्ड हर दैट सीला हैड बोरोड इट, क्योंकि सी है तो सी के जगह पर सीला वर्ड लगा दिया गया,
रुचि टोल्ड हर दैट शीला हैड बोरोड इट एंड अब फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो इसके लिए अब क्या लगाएंगे, तो इसके लिए फिर आप लगाएं सी, सी हैड टू हैव है, हैव की जगह पर फिर क्या लगाना पड़ेगा हैड, तो इसको आप हैड लगाएं, हैड टू कंप्लीट सम वर्क इन इट, क्लियर। इसमें से ना आप ये आप इन वर्ड को ना समझें, ये इन वर्ड को ना समझें, क्लियर। कहते क्या है कि रुचि टोल्ड हर दैट शीला हैड बोरोड इट, इसको इतना ही समझें, एंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो इसको आप सी माने, सी हैड टू कंप्लीट सम वर्क इन इट, क्लियर। तो इसके लिए सी मानकर इसको आप कंप्लीट करें। अब लास्ट में जैसा देख लें आप अंतिम, इसको ऐसे बनाएं, क्लियर। अब आपको दिख रहा होगा दोनों मैंने बना के रखा है इसलिए क्योंकि पेज पे कुछ आसानी हो आपको देखने में, और इस रूप से अभी आप इट के बाद इन ना माने, क्लियर। अब उसके बाद एंड सी हैड टू कंप्लीट सम वर्क इन इट, तो इस रूप से अभी आपने देखा कि अभी आपकी जो गो ग्रामर की बुक है उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर ई है उसको मैंने अभी कंप्लीट किया, और इसमें आप देखें कि इसमें मैंने कुछ वर्ड भी लिखा है, राइट। जैसे कमेंट है, कमेंट का मतलब प्रशंसा करना या सराहना करना, गेट मतलब ला देना, इसको भी आप देखते चलें, इसको भी ज़रा समझते चलें आप। और इस रूप से अभी आपका क्वेश्चन नंबर ई पूर्ण रूपेण कम्प्लीट हुआ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।